नमस्कार दोस्तों, एडू पार्क द्वारा चलाए गए प्रॉपर सिलेक्शन कोर्स के 26वें दिन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंटेक्स एरर्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरप्रेटर, ALU, लॉजिक यूनिट या कंपाइलर। सो कंपाइलर से होते हैं सिंटेक्स एरर्स डिटेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एरिथमोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, एरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था। सो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं चार, इवंगेलिस्टा टोरिकेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर, गौस्तव टोशेक। सो चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था एरिथमोमीटर का इन्वेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाई ऑन्कोजीन। तो ऑप्शन दे रखे हैं पोलियो, कैंसर, डायरिया या डेंगू। सो कैंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अजार्ड रचता इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, नीम, टीक, सिल्वर ओक या तुलसी। सो नीम का सही नाम है ये, आजादी रास्ता इंडिका साइंटिफिक नेम है जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं, ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का, सिनडारिया, एचिनोडर्माटा या कोर्डाटा। सो मोलस्का इसका सही नाम है, सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC। PVC का फुल फॉर्म क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कितने बेंजीन रिंग होते हैं, एट लीस्ट बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे नेप्थलीन होता है और ये आपका क्राइसिन होता है, नेप्थलीन का फॉर्मूला C10H2 होता है। ठीक है, सो इसमें मिनिमम दो बेंजीन रिंग हो सकती है। ठीक है, एट लीस्ट पूछा है ना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, दो। क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं, रेंथबोर फोर्ट इज इन महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या सिक्किम। सो राजस्थान में है ये वाला फोर्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन, डोगरी इज प्राइमरीली स्पोकन इन विच स्टेट। सो जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेंथ, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज। सो चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। सही आंसर है इसका बी, हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अ लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट इज नोन एज। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट है एबायोटिक फैक्टर, दूसरा हैबिटाट, सी बायोटिक फैक्टर या डी नॉन लिविंग फैक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट होता है उसको हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, या हम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ, ए जिंक, बी यूरेनियम, सी क्रोमियम या डी टाइटेनियम। सो क्रोमियम इसका सही आंसर है। ठीक है, क्रोमाइट क्रोमियम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु प्लेड गांधी इन 1982's ऑस्कर विनिंग मूवी ऑफ द सेम नेम, बेन किंग्सले, बी सईद जेफरी, डी मार्लन ब्रांडो या डी रिचर्ड अटनबोरो। सो सही आंसर है इसका ए, बेन किंग्सले। क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, 85%, 70%, 55% या 40%। तो सही आंसर है 70%, इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आर सोलर सिस्टम, सो ऑप्शन ए दे रखा है आपको, अल्फा सेंचुरी, बी बीटा सेंचुरी, सी प्रोक्सीमा सेंचुरी या फिर डी बर्नार्ड। सो प्रोक्सीमा सेंचुरी जो है ये हमारा सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीकवा स्टार है।
सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए एडू पार्क। थैंक यू सो मच।